डीआरएस धोनी रिव्यू सिस्टम बनता जा रहा है। जब वो खेलते थे, भारत को लीड करते थे, वर्ल्ड कप जितवाया, टी20 का इनॉग्रल वर्ल्ड कप जितवाया 50 ओवर का, वहां भी यही समझा जाता था एम्पायर ने बाहें खोल दी थी। धोनी ने उनको मैसेज दिया कि बेटा बाहें अंदर कर दो, ये होगा वर्ल्ड नंबर वन प्लेयर। बट मैं कह रहा हूं कि ग्लव पे लगी है। उस आदमी का बिलीव दिखता है जो शायद इस करंट जनरेशन का सबसे बेहतरीन कप्तान है, जिसका नाम है महेंद्र सिंह धोनी। बिल्कुल मीडियोक्रेसी टीम है मुंबई इंडियन की। पहले मैच के बाद ही, बल्कि ड्यूरिंग द मैच ही मैंने कहा कि मुश्किल है कि ये प्लेऑफ में इस दफा भी क्वालिफाई करे। और मुंबई इंडियंस फिर से हार गए, घर में आ रहे, तो ये बहुत बड़ी डिफीट थी। इतनी बड़ी बैटिंग लाइनअप ऑन पेपर जो है वो कमाल चलती है। टी20 में सूर्य कुमार यादव का अगर वो इस तरह परफॉर्म कर रहा है तो ये बड़ा शॉकिंग है, बहुत शॉकिंग है। रहाणे ने बहुत अच्छी बैटिंग किया है, क्या कमाल की जा रही है। आईपीएल के 19 बॉलों पे 50 स्कोर की तेज तरीन जो 50 रहाणे ने बना लिया है। महेंद्र सिंह धोनी को जब विकेट कीपिंग करते हुए हम देखते हैं तो दिल चाहता है। धोनी का तो आपको पता है एरा चलता रहेगा जब तक धोनी खेल रहे हैं यार, फिटनेस है अभी भी। जब धोनी नहीं खेलेंगे वो कौन सा दिन होगा, ये अलग बात है। मगर जब वो नहीं होंगे तो उनकी जो चीजें हैं वो कोई भी नहीं रिप्लेस कर सकता, ठीक है। तो सूर्या कब मारेगा, मैं क्या टिम डेविड को देखने के लिए छक्के बोलता हूँ टीवी, क्या मतलब। सूर्या नंबर वन टी20 के बल्लेबाज, 3 दफा आलमी एजाज डक पे आउट होने का, उसके बाद से अभी तक पनप नहीं पाए, यानी कि संभल नहीं पाए, यानी कि कांपे टांग रही है उनकी। ओ भाई तू, तेरे से बेहतर तो मुझे तिलक वर्मा लग रहा है। तिलक वर्मा में बड़ा ऐसा लग रहा है कि कॉम्पैक्ट है, ज्यादा अच्छे लोग बैठे हुए हैं आपका। ऐसा लग रहा है लड़ा कोई चला कोई यार, मतलब 6 महीने चलोगे 6 महीने नहीं चलोगे, ये वाला गेम है क्या। अच्छा अब वो जो चंद दोस्त नाराज हुए थे, नाराज तो नहीं हुए थे, जो हमें जानते हैं कि भाई हमने उसकी टी20 में ताकत पर इतनी डिस्कशन की, लोग अपनी अपनी बात कर रहे होंगे दुनिया में, हमने आपको कुछ अलग बताया था कि ये 1440 डिग्री है। लेकिन मैं ही आपको कह रहा था कि मुझे डर ये है कि इसको दूसरे फॉर्मेट में लगाने से ये अपना गेम ना भूल जाए। और अब मुझे सूर्या कुमार यादव को देख के ऐसा ही फील हो रहा है कि जब तक वो इंडियन क्रिकेट टीम में आया नहीं था तो प्रिडिक्ट हो गया है वो, और लोग उससे खेलते हैं। उसके दिमाग से अगर कोई बॉलर खेल रहा है तो वो परेशान हो रहा है, क्योंकि वो ऑलवेज स्टार्ट में ही शॉट्स पे जाता है। उसके गो टू शॉट्स हैं स्वीप, फास्ट बॉलर कर रहा होगा तो पैडल शॉट है, वो पुल मार देता है। तो कहने की बात है कि कभी कभी आपको अपने आप को थोड़ा सा टाइम देना पड़ता है लाइक के अदर प्लेयर्स। और तिलक वर्मा ने गेम को फिर चलाया, दिए कम से कम 30 रन कम बनाए इन्होंने। मेरी बुक में ये पिच आराम से 190 की पिच थी, तो मैं फिर भी कहता हूँ कि 180 से ऊपर कोई रन होते तो ये लड़ने के काबिल थे। हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। कल दोस्तों चेन्नई ने मुंबई को आसानी से हरा दिया। कल धोनी ने एक रिव्यू लिया जिस पर पाक मीडिया काफ़ी धोनी की तारीफ कर रहा है। पाक मीडिया का कहना है कि धोनी ने यह साबित कर दिया कि DRS को क्यों धोनी रिव्यू सिस्टम कहते हैं, क्योंकि जब भी धोनी कोई रिव्यू लेते हैं तो उसको नकारने की हिम्मत थर्ड अंपायर भी नहीं कर पाता। दोस्तों कल के मैच को लेकर पाक मीडिया का कहना है कि जब तक मुंबई इंडियंस में रोहित शर्मा और सूर्य कुमार यादव की फॉर्म वापस नहीं आएगी तब तक मुंबई इंडियंस ऐसे ही हारती रहेगी। वहीं कल रहाणे की बल्लेबाजी को लेकर पाक मीडिया काफ़ी प्रभावित है और उनकी तारीफ कर रहा है। पाक मीडिया का कहना है कि रहाणे ने कल जिस तरह से बल्लेबाजी की उसको देखकर यही लगता है कि रहाणे को भारतीय टीम में वापस लेना चाहिए। दोस्तों कल के मैच को लेकर आपकी क्या राय है प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों आप मेरे चैनल पर आते हैं, वीडियो को देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, दोस्तों प्लीज़ मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। थैंक यू दोस्तों। इंडियन दोस्त हमारे नाराज होते थे, वो कहते थे जी ना के आप ऐसे ही रोहित शर्मा पर टाइटल जीता है। भाई जान टीम देखे, दूसरा साल है, अगर आप एक्स्ट्राऑर्डिनरी कप्तानी है धोनी की, देखे ना इस टीम जो रेटल्ड हो गई ना। मोइन और आपका वो नहीं खेलेगा, क्या नाम है उसका, बेन स्टोक्स, तो रेटल्ड हो गई। ठीक है आपका आर्चर नहीं खेला, लेकिन भाई जान 157 रन करेंगे आप, और वो भी थैंक्स मेनली इन द लास्ट ओवर, शौकीन ने आपको 17 रन आगे, तो आप वरना आप 140-142 पे बुक थे। तो भाई इतनी बड़ी अंबानी खरीद लेते हैं, अंबानी ये कर देते हैं, अंबानी इसका मतलब है जब सारे झिलमिल करते सितारे होंगे तो रोहित शर्मा की कप्तानी चलेगी। जब रोहित शर्मा के पास झिलमिल तारे सितारे बड़े नाम बड़े काम वाले प्लेयर नहीं होंगे तो कप्तानी भी फिर माजरत ही होगी।
जिस तरह पहली विकेट कॉनवाय की इसने सेलिब्रेट की है, मैंने रोहित शर्मा को इस तरह इंटरनेशनल स्टेज पे भी सेलिब्रेट करते नहीं देखा। इट मींस अंदर से उसे पता था हमने सिर्फ 157 किया। शॉट्स खेल सकते हैं, सो पिच में कोई डीमन कोई ऐसी चीज नहीं थी। ये सिर्फ मुंबई इंडियंस को जो है अब परफॉर्मेंस दिखानी है, क्योंकि हथियार तो उन्होंने बहुत सारे जमा कर लिए। इंटरेस्टिंग जो एक पता नहीं मैच के बाद फैंस ने देखा या नहीं देखा, एमएस धोनी बड़ी लंबी चौड़ी बात कर रहे थे सूर्य कुमार यादव से, इसलिए कि उनका भी कॉन्फिडेंस गिरा हुआ है। देखिए जितने वो रिस्क लेते हैं वो T20 में तो चलता है, मगर जब फॉर्म आपकी ना लगे और आप फिर भी रिस्क उठा रहे हैं तो फिर फॉर्म में वापस आने में आपको उतनी तंगी और उतनी देरी लगती है। सिर्फ इनको चाहिए 2-4 ओवर अपने सुकून तहमल से खेले और उसके बाद इनकी फ्लो शुरू हो जाएगी। इम्प्रोवाइज तो करते ही करते हैं, वो इनके DNA में है, मगर जो पहले के 6-8-10 बॉल है ये इनके लिए बड़े इंपॉर्टेंट है। और क्योंकि इतना ज्यादा फेलियर इन्होंने देखा है ऑफ लेट इन ODI क्रिकेट, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि एक तरह से कॉन्फिडेंस जो है वो थोड़ा सा ऊपर नीचे हुआ हुआ है। सो ये फॉर्म में अगर हो गए तो फिर मुंबई इंडियंस के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं, क्योंकि इम्पैक्ट प्लेयर है, पकड़े नहीं जाते हैं, हर लेंथ के ऊपर इनके पास 2-1 शॉट्स हैं, और इनका फॉर्म में ना होने की वजह से मुंबई इंडियंस को बहुत तकलीफ है। फिर रोहित शर्मा को भी जरा सैडल सही तरह से संभालना है, क्योंकि कप्तान जो है जब वो स्कोर करता है तो पूरे डगआउट में कॉन्फिडेंस की लहर दौड़ पड़ती है। सो उनकी फॉर्म नहीं है, पैचेस में ब्रिलियंस दिखा रहे हैं, मगर उनको लंबी इनिंग्स खेलनी है 50-60 रन करने के लिए, अपने कॉन्फिडेंस को वापस हासिल करने के लिए। शिकार हो गए इंजरियों का पीछा छोड़ने का नाम नहीं ले रही, वो एक ओवर के बाद आपने अपने ओवर किस तरह मैनेज करने हैं जबकि ओपोनेंट टीम अपने ही होम पे जहां आपकी टीम यानी चेन्नई सुपर किंग्स का कोई बहुत जबरदस्त रिकॉर्ड नहीं है। अगर मैं दूसरे ग्राउंड से कंपैरिजन कर लूं वहां आप ही की टीम को 6 ओवर में 60 रन पड़ जाए तो फिर आप क्या करेंगे? अगर तो आप MS धोनी है तो ये करेंगे जो आज वानखेड़े के स्टेडियम के अंदर मुंबई इंडियंस के साथ हुआ, व्हाट अ क्लिनिकल विक्ट्री बाय चेन्नई सुपर किंग्स एम्पावर्ड बाय ऑल द experienced players, especially how MS Dhoni has led with the less resource of players. इस आदमी को शायद ये पता है कि डेटा हो या ना हो, लेकिन इस आदमी को जिसका नाम MS Dhoni है उसको अपने प्लेयर्स की रिसोर्सेज को इस्तेमाल करना ज़रूर आता है। इसीलिए आज का जो मैच है वो एक दफ़ा फिर 3 मैचों में से 2 मैच जीत के और गुजरात टाइटन्स के साथ जी ओपनर था वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग गेम हो चुका था। 20th ओवर में जाके वो गेम भी चेन्नई ने हारा था, हालांकि ऋतुराज गायकवाड ने जिस तरह 92 रन मार के IPL ओपनर में आग लगा दी थी उसको कैश ऑन नहीं कर सका था चेन्नई despite of that fact, लेकिन आज धोनी ने एक दफा फिर एक क्लिनिकल एक क्लासिकल एक ट्रेडिशनल T20 क्रिकेट खेल के जो कि मॉडर्न डे क्रिकेट को आप रखिए साइड में, या बड़ी बड़ी टीमें होती हैं जो कि रोना गाना डाल देती हैं हमारा ये फॉर्नर नहीं आया हमारा वो फॉर्नर नहीं आया, और एक तरफ MS धोनी जिसने खुद मुइन अली और बेन स्टोक्स को बेंच किया, उसने बोला भाई साहब मुझे गेम जीतना आता है चाहे मेरे पास जो भी रिसोर्स हो जो भी प्लेयर हो। बैक टू बैक गेम्स पिछले मैच के अंदर 5वें ओवर के मार्क तक 73 एंड MS धोनी गॉटन मिचेल ये स्टैटनर एंड पेयर ऑफ मुइन अली, जहां मुइन अली ने 4 विकेट ली और पूरा गेम पलट के रख दिया रिमेनिंग ओवर्स के अंदर। और आज शुरू के 6 ओवरों के बाद सिर्फ 2 ओवर ऐसे थे जहां 10 रन से एक्सेसिव रन पड़े हैं, जिसमें मगाला को 2 ओवर में 28 पड़ चुके थे, दीपक चाहर रूल्ड आउट हो चुके थे। आपको कॉन्फिडेंस कोई और दुनिया का शायद कप्तान होता और मगाला के ऊपर अंडर प्रेशर आ जाता कि नहीं जी 2 ओवर में 28 ये खा चुका है पता नहीं अब ये डेथ में क्या करेगा, लेकिन वो भी मगाला अगले 2 ओवर के अंदर 9 रन देके जाता और अपना पूरा कोटा 4 ओवर में 37 के ऊपर खत्म करता है। क्या ये काम है, क्या ये सवालात उठते हैं कि कैसे ये MS धोनी कर लेते हैं? मेरे ख्याल से एक ही चीज जो हमें सबको नजर आती है, द कामनेस इन हिज नेचर। मुंबई की प्रॉब्लम अगर देखी जाए तो भाई सबसे बड़ी प्रॉब्लम है सूर्या कुमार यादव। पिछले सीजन में फिर भी ये स्कोर कर रहे थे, मुंबई को ये जिताने में बड़ा अहम किरदार अदा कर रहे थे, लेकिन हमने देखा कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो ODI सीरीज है वो वहां से लेके अभी तक इनकी फॉर्म ही नहीं आ रही है, वही फॉर्म इन्होंने बहाल रखी हुई है, 0-1-2-0 पर ही आउट हुए जा रहे हैं, तो इन पर काफी सारा डिपेंड करती है मुंबई इंडियंस की टीम, लेकिन ये कुछ खास कर नहीं पा रहे हैं। रोहित शर्मा की बात करें तो लास्ट जो है वो 715 दिन हो चुके हैं IPL में रोहित शर्मा के बल्ले से कोई 50 नहीं आई है, और आज भी थोड़ा तेज खेल रहे थे, टच में नजर आ रहे थे, लेकिन जब 21 बॉलों में जो है 13 बॉलों में जो है 21 स्कोर बना के आउट हो गए। नहीं MS धोनी क्या बंदा पाया गया भाई, बहुत बड़ा कप्तान। आप ये देखें कि उसको पता था सूर्य कुमार यादव का एजू है, सूर्य कुमार यादव ने स्वीप खेला, हम पॉइंट वाइड दे दी है।
धोनी ने फौरन रिव्यू लिया, धोनी को यकीन होता है जब धोनी रिव्यू लेना इसका मतलब है आउट होता है, और जब जब मैंने देखा ना जब एमएस धोनी रिव्यू लेता है ना इसका मतलब है आउट है, क्योंकि धोनी को शॉर्टी होती है और अच्छा खासा भरा जिसको कहते हैं ना ग्लव्स लगा हुआ था। सूर्य कुमार यादव या देश पांडे ने जिसको कहते हैं आपके कप्तान रोहित शर्मा को आउट कर दिया। ईशन किशन का तो मैं कुछ कहना ही नहीं चाहता ना, मैं क्या बोलूं, फिर लोग कहते हैं आप ईशन किशन को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, ईशन किशन का फैसला करना पड़ेगा टीम वालों को। भाई आप कहते होते थे ईशन किशन ऐसा प्लेयर है जो 15 मैच में से एक दो मैचों में चलता है और आगे 15 के लिए अपनी सीट बुक कर लेता है, लेकिन अभी तक मेरा ख्याल से 15 से ऊपर मैच हो ही चुके हैं कि वो अभी तक चल नहीं रहा किसी लगभग यही चल रहा है। लास्ट टाइम वो चला था बांग्लादेश के खिलाफ 200 उसने मारा था, उसके बाद से तो पता नहीं ईशन किशन को हुआ क्या हुआ है। मैचेस भी कम खेला है लेकिन जितने खेले परफॉर्मेंस कोई नहीं आई।